everyone and welcome back to my YouTube channel. My name is Ashley Anand and please take a moment to like my video and subscribe my channel. Okay, so Rakhi आने वाली है. Rakhi आ ही चुकी है and इसके पीछे पीछे सारे festivals आएंगे, यानी कि festival season शुरू होने वाला है. And सबको festivals में ग्लोई ग्लोई एंड लवी डवी दिखने का मन करता है. सो आज मेरी वीडियो इसी पे है कि कैसे इंस्टेंट ईजी चीज़ों से ग्लो लाया जाए. सो अभी से हम स्टार्ट करेंगे तो फेस्टिवल तक हम पूरे ग्लोई लवी डवी हो ही जाएंगे. सो लेट्स जंप टू द वीडियो एंड देखते हैं कि कैसे सिंपल चीज़ों से हम अपने फेस पे ग्लो ला सकते हैं. फर्स्ट स्टेप इज क्लिनजिंग. इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ बेसन एंड 1 टेबल स्पून हनी. लेट्स मिक्स इट. Done with cleansing and अभी से मेरी skin इतनी moisturized लग रही है और clean and moisturized लग रही है. So let's moving to the next step which is scrub. Scrub बनाने जा रही हूँ चावल के आटे के साथ. So I'm using 1 spoon चावल का आटा और rice flour and रॉ मिल्क, थोड़ा सा एंड जस्ट मिक्स इट. एंड जेंटली स्क्रब ऑन योर फेस. सो अगेन मैंने फेस वॉश कर लिया है. फेस वॉश सिर्फ पानी से करना है, ये नहीं कि फेस वॉश यूज़ कर रहे हो क्योंकि हम क्लिनजिंग पहले ही कर चुके हैं. सो यू डोंट नीड टू फेस वॉश अगेन एंड अगेन. सिर्फ पानी से, खूब सारे पानी से आपको फेस वॉश करना है. और मेरी सारी, मुझे इतना अभी से मेरी स्किन इतनी क्लियर दिख रही है, मतलब उसको डेली करना चाहूँ ना बट डेली नहीं हो पाता. आई एम सो लेजी, मैं ये सब नहीं करवा दी डेली. सो वीक में एक बार बहुत है, इनफ है. इट वुड बी रियली गुड. सो मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप विच इज लिप स्क्रब. सो फॉर लिप स्क्रब आई हैव टेकन 1 स्पून शुगर एंड आई विल एड अ लिटिल बिट ऑफ हनी इन दिस and a few drops of lemon juice. Enough. Now mix it well. ओके, सो स्टार्टिंग द फेस मसाज, बट उससे पहले आई एम यूजिंग द टोनर. आई एम यूजिंग फॉरेस्ट एसेंशियल फेशियल टॉनिक मिक्स प्योर रोज वाटर, बट आप कोई सा भी गुलाब जल ले सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन एड लिटिल बिट ऑफ लेमन जूस ड्रॉप. लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा नहीं. सो आई एम जस्ट स्प्रेइंग दिस टोनर राइट नाउ. ओके, सो फॉर मसाज क्रीम, जो फेस फेशियल मसाज के लिए, आई एम यूजिंग मलाई क्रीम एंड अ पिंच ऑफ हल्दी. बहुत थोड़ा सा हल्दी ताकि आपका फेस येल्लो येल्लो ना हो जाए.
अब फेस वॉश करके आ चुकी हूँ एंड नाउ यू कैन सी द डिफरेंस वीडियो की स्टार्टिंग में और अब में कि मेरी स्किन कितनी क्लियर एंड ग्लोई दिख रही है। उसका कंटिन्यूसली यूज़ करना मतलब वीक में एक बार बहुत है कि आपकी स्किन बहुत ग्लो करने लगेगी। नाउ द लास्ट स्टेप इज दिस, आई एम यूजिंग दिस गार्नियर शीट मास्क जिसको आपको 15 मिनट्स लगाना होता है। ये यूज़ करना बहुत ही सिंपल है सो आई एम नॉट शोइंग दिस, बट इसको 15 मिनट्स अपने फेस पे लगाइए एंड जो लास्ट में सीरम बचता है उसे थोड़ा सा मसाज कर दीजिए और ये आपकी स्किन को अच्छी तरह हाइड्रेट कर देता है। सो इट्स रियली गुड कि आप यूज़ करें कोई सा भी शीट मास्क एज पर योर स्किन अकॉर्डिंग। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ आप ये सब ट्राई कीजिए घर पे, बहुत ही सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप घर पे ट्राई कर सकते हो किसी भी टाइम पे एंड मेक योर स्किन ग्लो, सॉरी फॉर दैट, मेक योर स्किन ग्लो एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मेरे साथ कमेंट्स पे और डीएम मी एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना एंड टेक केयर।